इससे पहले कि आज खुदा के इस कलाम में चले, आपको एक छोटी सी कहानी बताना मानता हूँ। एक दिन की बात है, एक पादरी साहब थे, उनके चर्च में एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट का अरेंजमेंट किया, बिग कॉन्सर्ट, जिसमें करीब करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को गाना गाना था। और ऑल ऑफ अ सडन पादरी साहब का दिन आ गया और खुदा बाप ने पादरी साहब को अपने पास बुला लिया। तो पादरी साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा खुदा बाप अभी मत करो, मतलब 2 दिन बाद कॉन्सर्ट हो जाए फिर बुला लेना। तो खुदा बाप ने कहा नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा समय आ गया, तुमको बुला लिया, ख़त्म कहानी। तो उन्होंने कहा भाई खुदा बाप देखिए, इतनी बड़ी क्वायर मैंने तैयार कराया था, सब कुछ कराया था, पूरा प्रिपरेशन किया था, कुछ तो कीजिए। तो खुदा बाप ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक काम करूँगा, तुम्हारे लिए एक परमिशन ग्रांट करता हूँ दैट यू कैन सी द कॉन्सर्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हेवन, तुम स्वर्ग से ही कॉन्सर्ट देख पाओगे और तुमको गाने की आवाज़ भी आएगी ऊपर। तो वो कॉन्सर्ट शुरू हुआ, पादरी साहब उस जगह पर लाए गए जहाँ से सब कुछ देख सकते। उन्होंने देखा बढ़िया क्वायर, सजी धजी क्वायर, बढ़िया लाइट जल रही थी, स्टेज बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। पादरी साहब देख करके खुश हुए, कहने लगे यार मेरे वर्शिप लीडर ने अच्छा काम कराया है, एकदम देखो क्वायर कैसे, मैं तो मेरे एब्सेंस में भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया, इन्होंने मेरे तीसरे दिन की भी परवाह नहीं की, इन्होंने फिर भी काम मैनेज कर लिया। पादरी साहब वॉज वेरी हैप्पी। कॉन्सर्ट शुरू हुआ ऑन टाइम, पादरी साहब ने फरिश्ते को बुलाया, कहने लगे सुनो सुनो इधर आओ, आवाज नहीं आ रही, साउंड क्लियर नहीं है। तो फरिश्ता भी दौड़ भाग करने लगा, तो बात खुदा बाप तक पहुंच गई। तो खुदा बाप ने कहा हाँ तो रही है, बिल्कुल साफ साफ आवाज आ रही है, तुम कैसे कर रहे हो आवाज नहीं आ रही। तो कहने लगा खुदा बाप 1000 लोगों की क्वायर है, सिर्फ एक आवाज आ रही है बस, जस्ट वन वॉइस इज कमिंग देयर। तो खुदा आपने कहा बेटा यहाँ जो सच्चे दिल से गाता है उसकी आती है, आलतू फालतू वाली पहुँचती नहीं है, बाकी तो सब शो है, पर जब दिल से करोगे तो वहाँ पहुँच जाएगी। आपसे कहना मांगता हूँ, आपकी आवाज़ कितने सुर में और कितने बेसुरी है इससे लेना देना नहीं है, बट वेन एवर यू विल कॉल अपन द लॉर्ड योर वॉइस विल रीच टू गॉड, आपकी आवाज़ आसमान के खुदा तक पहुंचेगी। मतलब इससे नहीं है कि आपको भाषा कितनी आती है, आप कितने लैंग्वेज की महारत हासिल की है आपने, आपकी आपने बाइबल कितनी बार पढ़ी है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अरे पहुंचने को तो उस चोर की भी पहुंच गई थी यीशु मसीह के पास, जिसने कुछ नहीं जाना था, कुछ नहीं बाइबल पढ़ा था, और उनकी भी नहीं पहुँच पाई थी जो व्यवस्था के जानने वाले थे, जो फरीसी और शास्त्री थे, they were also not been able to send their voice to God, nahi pahuncha paye, dil se khuda baap ko pukariye, that will definitely reach to God, aasman ke khuda ke paas pahunchegi। aaj jaldi se aapko ek ayat mein lekar chalna mangta hu, isse aapko barkat milegi। 12th adhyay ibraniyon ki kitab, uska 12th adhyay aur uska pehla pad। is karan जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है जी, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यहाँ ऐसे लिखा है जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि बाइबल चैप्टर वाइज नहीं लिखी गई है, बाइबल सिर्फ लिखी गई और उसको चैप्टर्स में लोगों ने, स्कॉलर्स ने डिवाइड किया ताकि पढ़ने में आसानी हो। पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 11th अध्याय का कंटिन्यूशन है ये, 11th अध्याय का कंटिन्यूशन
बारहवां अध्याय है। ग्यारहवें अध्याय में विश्वास के नायकों की बात लिखी है, हीरोज ऑफ फेथ लिखा है। बारहवें अध्याय में उसी बात को आगे कंटिन्यू करके कह रहा है, सो जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जिस गवाहों के बादल की बात कर रहा है उसमें उसने इब्राहिम का, मूसा का, सारा का और ढेरों लोगों का जिक्र किया है, यहोशू का, अय्यूब का, बहुत से लोगों का जिक्र किया, डैनियल का, और फिर लिख करके आखिर में कहा और औरों के विषय में क्या कहें, किसका किसका नाम लें। तो इट टॉक्स अबाउट द हीरोज ऑफ फेथ, और फिर कहने लगा सो जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है। बहुत खास बात बताना मांगता हूँ आपको, बजाय बिफोर इसके कि हम खुदा के कलाम के उस हिस्से में जाएं जिसे आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये जरूर बताना मांगता हूँ, वो गवाहों का बादल अब्राहम, मूसा, सारा, आदम, जिस जिस का जिक्र वहाँ लिखा है हीरोज ऑफ फेथ में, वो विटनेस है मेरे और आपके लिए। विटनेस काहे के लिए होता है? विटनेस होता है टू इम्प्रूव योर अटेंडेंस, आपकी चीज़ों को मजबूती देने के लिए गवाह होता है, और वो मेरे आपके सीखने के लिए। वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द विटनेसेस, हम उनके जीवन से कुछ कुछ सीख सकते हैं। यहाँ वो बात कर रहा है, सो जबकि ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, सो लेट अस ऑल्सो ले असाइड एवरी वेट। इंग्लिश में लिखा है लेट अस ले असाइड एवरी वेट, बहुत सारा भार है, वो कह रहा है इसको ले असाइड करो, मतलब तो इसको किनारे करो। यू डोंट हैव टू कैरी ऑल द वेट्स, बहुत सारा वजन अपने साथ लेकर के तुमको जाने की जरूरत नहीं है। आगे ऐसे लिखा है एन सिन विच क्लिंग्स सो क्लोजली, जो बहुत आसानी से क्या करती है आपको चिपटा लेती है, जो ऐसे पाप जो बहुत आसानी से मुझको आपको चिपटा लेते हैं, जो एम्बैरेस कर लेते हैं, जो इंटैंगल करते हैं, उलझा लेते हैं। आज थोड़ी देर जिसकी चर्चा करना मांग रहा हूँ वो उसी की बात करना मांग रहा हूँ। मैंने दूसरा एक वर्जन निकाला है जिससे मैंने पढ़ा, उसको पढ़ता भी हूँ। वहाँ पर लिखा है देयरफोर सिंस वी आर सराउंडेड बाय सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेस हु बाय फेथ हैव टेस्टिफाइड टू द ट्रुथ ऑफ गॉड्स एब्सोल्यूट फेथफुलनेस स्ट्रिपिंग ऑफ एवरी अननेसेसरी वेट। You know, there are some weights which are necessary, but there are some which is unnecessary. कुछ तो मजबूरी है आपके पास है ही है, और कुछ मैंने आपने क्या किया हुआ है लाद लिया है। वो कह रहा है इसको अलग करो, stripping off का मतलब जैसे कपड़े उतारते हैं वैसे उसको उतार करके फेंक दो। और फिर आगे लिखा है stripping off every unnecessary weight and the sin which so closely and cleverly entangles us. आपको cleverly का मतलब समझ में अगर आए तो clever को हिंदी में क्या कहते हैं? चालाक। कुछ पाप ऐसे हैं जो चालाकी से आपको फंसाते हैं। आज थोड़ी देर बात करेंगे उसी चालाकी वाले पाप के जिससे आदमी परमेश्वर के राज्य को खो देता है, उस चालाकी वाले पाप से जिसके कारण आसमान का खुदा मुझको आपको जहां ले जाना चाहता था वहां नहीं ले जा पाता है। बिकॉज वी फेल गॉड समटाइम, वी फेल बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर्स, हम अपने व्यवहार से खुदा बाप की भी वो मनसा जो मेरे विषय में है उसको भी फेल कर देते हैं, असफल कर देते हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में लूका समाचार का 7वां अध्याय 29वां 30वां पद, ऐसे ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। वहाँ लिखा हुआ है और जब यीशु मसीह ने समाचार प्रचार करना शुरू किया और यूहन्ना प्रचार कर रहा था तो बहुत से लोगों ने
और महसूल लेने वालों ने और वेश्याओं ने भी उसके वचन को सुनकर और उससे बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर लिखा है, पर फरीसियों और शास्त्रियों ने उसकी बात को ना मानकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। दे फेल द प्लान ऑफ गॉड अबाउट देम सेल्फ। अब उनके विषय में जो खुदा बाप की योजना थी उसको उन्होंने फेल कर दिया, कैंसिल कर दिया, यूं कहे तो रिजेक्ट कर दिया, असफल कर दिया। खुदा बाप चाहता है मुझको आपको बरकत देना, पर समटाइम्स दिस क्लोज एंड क्लेवरली थिंग्स विच कम्स इन योर लाइफ, द सिन विच कम्स इन योर लाइफ, इन माई लाइफ, इट एंटैंगल्स मी, ऐसे उलझा लेती है, ऐसे फंसा लेती है कि हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। बड़ी पुरानी किसी ने एक बात कही, कहने लगे कि वो पैर की मोच और छोटी सोच ये दोनों आपको बढ़ने नहीं देती, दैट हिंडर्स योर रेस। वो फिर आगे ऐसे लिखा है, विच सो इजली एंड क्लेवरली एंटैंगलस, लेट अस रन विद एंड्योरेंस एंड एक्टिव परसिस्टेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर अस। उस दौड़ में जो मेरे आपके आगे रखी है उसमें हम धीरज के साथ दौड़े, बट उलझे बगैर दौड़े। उलझ गए तो मुंह के बल गिरेंगे और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पांचवां अध्याय उसका सातवां पद पढ़िए, पांचवां अध्याय गलतियों की पुस्तक उसका पांचवां अध्याय सातवां पद। पढ़ो बेटा। ओ माय गॉड, वो क्या? अच्छा पढ़ दीजिए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। वो कहने लगा तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अगर आप मालूम करेंगे, पता करेंगे, हर विश्वासी के जीवन में, हर एक विश्वासी जो सबसे पहले पहले चर्च में आया था, जिसने अपनी रेस स्टार्ट की थी, द डे व्हेन ही रिसीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड, उस दिन उसने बहुत भली भांति दौड़ना शुरू किया था। वो बहुत अच्छा चला था, बहुत बढ़िया था। वो कह रहा तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? यही अनदर लैंग्वेज में कहे तो अब कहाँ उलझ के रह गए? कहीं तुम उस भेड़ की मानिंद तो नहीं हो जो 99 भेड़े यीशु मसीह के साथ चल रही थी पर एक झाड़ियों में उलझी हुई थी। वो कह रहा कहीं तुम उलझ तो नहीं गए? वेयर आर यू नाउ? जस्ट कॉल अपॉन द डेज, उस दिन को याद कीजिए अपने जीवन के जब आपने शुरू शुरू यीशु मसीह को ग्रहण किया था। यदि किसी के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जब आपने यीशु मसीह ग्रहण किया था, तो उस एक्सपीरियंस को याद कीजिए अपनी जिंदगी में कैसा था, आपका खुदा के घर को जाना कैसा था, आपका एक्साइटमेंट का लेवल कैसा था, हाउ एक्साइटेड यू वर थे, कैसे उत्साहित थे। रात को ही कपड़े प्रेस होकर के टंग जाते थे, जेब में बहुत पैसे नहीं थे, पर आप उतनी दूर से, हमने तो देखा अपने अपने चर्च में कभी कभार तो देखा 5-5 किलोमीटर से लोगों को पैदल आते हुए, वो चले आ रहे, जाते हुए दिख रहे कि लेडी यहाँ से कैसे आ रही, पहले वो चर्च से लौट रही है, भाई साहब हम तो चर्च खत्म करके गाड़ी से जा रहे हैं, तब देखा कि वो पैदल चली जा रही है। और तो भूल जाइए, कहाँ है सुनीता, आई है क्या? नहीं आई है, कोई बात नहीं, सुनीता नहीं है तो निशा तो आई है। निशा की मम्मी को कैंसर था, पेट पेट का कैंसर था कहीं का, है ना सीता ना, और इसकी मम्मी वहाँ केडी 92 चर्च आती थी, रहती थी सेक्टर 10 चिरंजीव विहार में, वहाँ से वहाँ पैदल चली जाती, किसी बोलती नहीं थी कि मुझे गाड़ी में ले जाओ। हमने उनसे कहा इतने लोग आते हैं गाड़ी से, किसी बोल दो कोई ले जाए, कहे नहीं नहीं ऐसे अकेले। बावजूद कैंसर होने के, बावजूद इसके कीमोथेरेपी चल रही थी, पर बावजूद उसके भी वो वहाँ से वहाँ पैदल चली जाती थी।
एक्साइटमेंट है आपका बना हुआ है, बरकरार है। डे वन पे जिस दिन आपने यीशु मसीह ग्रहण किया था, आपके अंदर एक अजीब सी खुशी थी, पागलपन था, जुनून था। वो कह रहा किसने तुम्हें रोक दिया, हु हैज स्टॉप्ड यू देयर। सुनिए आगे श्रीकांत जी, अब किसने तुम्हें रोक दिया, रोक दिया कि सत्य को ना मानो। हाँ, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। चले, खुदा बाप ने तो नहीं मना किया तुमको। सी, यू जस्ट चेक योर रेस, यू आर स्टार्टेड वेल, यू आर रनिंग वेल, यू आर रनिंग इन द स्पीड ऑफ 80 की स्पीड पर चल रहे थे। अब आपको रोका किसने, वो कह रहा है ये कंपनी ने ऐसा इंजन बना के तुमको थोड़ी दिया था, तुम्हारा इंजन तो 120 तक जा सकता है, बट यू आर नॉट रनिंग वेल नाउ, यू आर समवेयर इंटैंगल इन टू सिन। और आज उस पाप की चर्चा करेंगे जिसमें मुझको आपको उलझा लिया है। मैं चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक में चलिए, उसके तीसरे अध्याय में उसके पहले पद से छठे पद तक पढ़िए, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है। जी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका पहले पद से छठे पद तक। मौज मजे की जिंदगी है, एवरीथिंग इज सुपर फाइन हियर, बहुत मजा है। आदम खेती नहीं करता है, हवा रोटी बनाती है, घर में झाड़ू पोछा करना नहीं पड़ता है, कपड़े धोने का झंझट है नहीं क्योंकि कपड़े ही नहीं है, घर में बर्तन वाली नहीं है, खाना नहीं बनता है घर में, कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रोवाइडेड बाय हेवन है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड है। अब सुनिए कहानी, पहले पद से पढ़िए जी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। उनमें एक धूर्त प्राणी आया, कहां पर धूर्त आया, अ कनिंग पर्सन केम वेयर, इन द गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका में, जहां कुछ मौज ही मौज था। थोड़ा सा जीवित रहे, मेरे साथ रहे, बरकरार रहे। कहां आया है, मजे मजे में, जहां सब कुछ मजे में है, वहां एक आदमी आया जिसका नाम धूर्त है, एक पर्सनैलिटी आई जिसे लोग, जिसे बाइबल कह रही है यह धूर्त था, कनिंग, इंग्लिश में कैसे लिखा है, हा? राफ्टी, ग्राफ्टी, अच्छा राफ्टी क्राफ्टी जो भी लिया, मैं पढ़ा नहीं, इसलिए हम आपको मालूम है इतनी अंग्रेजी नहीं जानते, पढ़ लेते हैं तो ठीक हो जाता है जी। वो एक आया जो बहुत धूर्त है, बहुत कनिंग है, बहुत खराब है, बहुत बदमाश है, वो आया और आने के बाद हुआ क्या, सुनिएगा, आने के बाद क्या हुआ, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। वो आया और आकर के उसने बातचीत करनी शुरू की, सुनो खुदा बाप ने कुछ कहा है क्या, आगे सुनिएगा जी। क्या सच है कि हाँ? परमेश्वर ने कहा हाँ? कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। हाँ? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो स्टोरी पढ़ी है ना आपने, आपको सब कुछ मालूम है ना, आदम का और हवा का पाप में गिरना मालूम है ना आपको, आपने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना, पर आपको बताऊं, इसकी शुरुआत हुई है धूर्त से, बातचीत करने से। When you talk with a cunning person, when somebody comes in your life who is not right with God, वो आया आकर के उसने बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बात नहीं करनी थी उससे। She was not supposed to talk to that serpent. उसको दोस्त से बात करने की आवश्यकता नहीं, पर उसने बातचीत की है। बात करने का कुछ तो आउटकम निकलेगा, मैं आपसे बात करूंगा कुछ तो आउटकम निकलेगा, आप मुझसे बात करेंगे कुछ तो आउटकम निकलेगा। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, अब जो मैं करता हूँ तुम भी करो जी, होगा कुछ तो चीज चक्कर चलेगा। रिजल्ट उसका ये है कि हवा ने फल खाया है, रिजल्ट उसका ये है कि वो अदन की वाटिका से निकाली गई है, रिजल्ट उसका ये है कि हवा भी आदम भी पाप में पड़ गया, रिजल्ट उसका ये है कि वो भी अदन की वाटिका से निकाला गया, रिजल्ट उसका ये है कि स्त्री अब मृत्यु किसी पीड़ा से अगर
बालक उत्पन्न करेगी और उसका पति उसे पीटेगा, मतलब वो लिखा है ना, तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा और तेरी लालसा उसी की ओर होगी, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी हाय मेरे पति ईश्वर मेरे अच्छे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तू अपने पसीने की कमाई खाया करेगा, बार बार बहता बहता रहता है, इधर से बहता उधर से बहता, बाद में कपड़े भी सूंघ के पता लगता है ये वाले कपड़े पहने थे कि नहीं पहने थे। Because of that talk, that gossip, that unnecessary talk, मैंने ऐसे लिखा है, things that entangles us in our spiritual race, हमारी आत्मिक दौड़ में जो चीजें हमको उलझा लेती हैं। मैंने दो चार पॉइंट्स लिखे हैं, आगे और भी इसका जिक्र करूंगा, पर आज यहीं से शुरू करना मांग रहा हूं, वो चीजें जो आत्मिक दौड़ में मुझको आपको उलझाती है, यहाँ की लैंग्वेज में कहें तो इलझा लेती है। किस में इलझ गए हैं, किस में उलझ गए हैं, वो कौन सा पाप है जिसने आसानी से उलझाया और मुझको आपको लगा भी नहीं कि ये पाप है। जब कभी कभार ना कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आप कीजिए पर आपको फील नहीं होता, आप बोलते नहीं ये कोई पाप है। मैंने लिखा अननेसेसरी डायलॉग, अननेसेसरी टॉक्स, व्हेन यू कीप टॉकिंग, ये इस औरत से बातचीत की थी उसने और बातचीत में औरत उसके साथ इन्वॉल्व हो गई तो आदम भी इन्वॉल्व हुआ, आदम ने हवा से बातचीत की, हवा ने सांप से बातचीत की थी और बातचीत का रिजल्ट ये था कि उन्होंने वो किया जो खुदा बाप नहीं चाहता था और इसके कारण वो पाप में पड़ गए। मैं दूसरा किस्सा आपको जल्दी से लेकर चलना मांगता हूँ, डैनियल की पुस्तक का 3rd अध्याय उसका 16वां पद, आपने बहुत बार पढ़ा है, आपको ये कहानी मालूम है, लिखा है खुदा कलाम में शद्रक मेशक अबेदनगो को बुलाया गया बादशाह के सामने, बादशाह के सामने बुला करके ये रखे गए, ले जाए गए। बादशाह ने कहा सुनो, बादशाह गुस्सा है, गुस्से में बादशाह बात कर रहा, मेरी खड़ी कराई हुई मूरत के सामने तुमने दंडवत नहीं किया, अभी भी मौका है, I give you still another chance. If you'll bow before my idol, अगर मेरी मूरत के सामने तुम दंडवत करोगे और घुटने टेकोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा और नहीं तो ये आग का भट्टा 7 गुना दत्काया जाएगा और तुमको इसमें फेंक दिया जाएगा। तब 16वें पद में इससे बातचीत करके शद्रक मेशक अबेदनगो ने कुछ कहा है, सुनिएगा ऐसा लिखा है, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। We don't find any reason to have dialogue with you. I'm not coming here to answer you. मैं तुमको इस बात का जवाब देने का जरूरत ही नहीं समझता हूँ, जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? राजा बोल रहा है। अरे बोला करे राजा, हम तो महाराजा की सेवा करते हैं। हम तुमसे बातचीत नहीं करना मांगते इस विषय पर। क्यों? आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आगे वो कह ये रहा था कि मेरा खुदा मुझको आग के भट्टे से, बोलिए पूरी याद क्या है, आगे बढ़िए, बचा सकता है। फिर आगे वो कह रहा था, I am 100% believer. My God can protect me. If not, then also I am a believer. मेरा खुदा मुझे पैसे दे सकता है, नहीं देगा तो भी मेरा खुदा वही है, पैसे से खुदा नहीं बदला। मेरा खुदा मुझे बरकत दे सकता है, मेरा खुदा मुझे पढ़ा सकता है, मेरा खुदा मुझे घर दे सकता है, मेरा खुदा मुझे गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर नहीं देगा तो भी। मुझे लगता है शायद उसने इसलिए भी कहा था बात नहीं करूँगा तुमसे क्योंकि बात करके हो सकता है कच्चा कर दे कोई आदमी आपको, हो सकता है आपके ईमान को कमजोर कर दे एक नेगेटिव आदमी बात करके, आप पूरा ईमान लिए बैठे कि आपको खुदा आप ठीक कर देगा, नेगेटिव आदमी आया उसने आपसे बात करनी शुरू की और आपका ईमान डवाडोल होने लगा, आप कहने लगे नहीं नहीं जरूरी नहीं है इबादत करना, जरूरी नहीं है हाथ उठाना, जरूरी नहीं है घुटने पे आना, जरूरी नहीं है दुआ करना, जरूरी नहीं है फास्टिंग रखना। हाँ वो भी तो फास्टिंग नहीं रखते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ही है फास्टिंग रखना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रखो तो रखो नहीं रखो तो नहीं रखो, बिकॉज दैट नेगेटिव पर्सन इज टेलिंग। यीशु मसीह ने तो कहा था दुल्हा जब तक बाराती साथ में है
है। मैं क्या, बाराती जब तक दूल्हा साथ में तब तक उपवास नहीं करता, पर एक समय आएगा जब मैं चला जाऊंगा तो ये उपवास करेंगे। उसने थोड़े कहा नहीं करेंगे, पर नेगेटिव आदमी आकर के आपको बता देगा कोई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, करो करो, नहीं करो नहीं करो, खुदा तो खुदा है। हाँ, खुदा तो खुदा है, खुदा तो देखो यहाँ भी रहता, वहाँ भी रहता, घर में भी रहता, घर में बैठ के दिल से दुआ कर लो, वहाँ भी खुदा सुन लेता। खुदा बाप, वो ऑनलाइन का बड़ा प्रचलन है ना, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन गॉड, ऑनलाइन प्रीचिंग, ऑनलाइन वर्शिप, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। लेट मी टेल यू, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग ऑनलाइन। आप उससे टीचिंग्स तो ले सकते हो, बट यू विल नॉट फाइंड गॉड देयर। अगर इतना सब कुछ ऑनलाइन ही होता तो यीशु मसीह भी ऑनलाइन इबादत कर रहे होते, उनके बारे में ना लिखा होता। उसने कहा था कि क्या तुमको मालूम नहीं मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड। समटाइम्स समबडी इज टेलिंग यू इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अरे अभी तो हमसे पिछले दिनों में किसी ने कहा कि मैं लड़के की शादी पढ़ता हूँ। हमने कहा उनसे पढ़वा लो जहाँ जाते हो। हमने कहा वहाँ तो जाते हो ना, तो उनसे बोलो। कहले रे भैया वो तो हाथ भी नहीं मिलाते। हमने कहा तो फिर हमारे चिपट लो, इधर उधर सब तरफ लिपस्टिक विपस्टिक सब लगा दो, फिर भी हम जीरो हैं। हीरो तो वही है। अरे नहीं, somebody is teaching you something wrong, you have to understand. Suniga, the thing that easily entangles you, the unnecessary dialogue, usne nahi kiya, usne kaha nahi rehne do, humko tumse baat nahi karni hai, I'm not going to talk to you. Dusra maine point likha hai, the second very important thing which easily entangles you, that you know what, jealousy. जेलसी, सब लोग बोले जेलसी, ईर्ष्या, जलन, यही है ना जेलसी। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से, तुमने गाड़ी ली है, अच्छा हम भी लेंगे। तुमने कौन सी ली, तुमने कौन सी स्विफ्ट ली है ना, स्विफ्ट, मैं स्विफ्ट डिजायर लूंगा। अच्छा तुमने स्विफ्ट डिजायर ली है, मैं वो सियाज लूंगा। तुमने सियाज दिया, मैं ब्रीजा लूंगा। अब पता नहीं वो उससे ऊपर की है वो नीचे की है, आप पता कर लीजिएगा। ढेर सारे चीज़ों का बात करना है जिसके बारे में चर्चा करेंगे इन द डेज टू कम। पर वन लास्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, द डिजायर विच कम्स इन योर हार्ट, इट इजिली इंटेंगल्स यू। वो जो दिल में तमन्ना जागती है वो आसानी से आपको फंसा लेती है। दिल में तमन्ना कैसे कैसे जागती है मालूम आपको? दिल में तमन्ना जागती है यार, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल सीधे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं आप, खुदा का भय मानने वाले हैं, पर आप निकल के जा रहे थे कहीं से, वो बढ़िया सा एक दुकान दिखी, उसमें बहुत लाइटें लगी हुई थी, बहुत सी लाइट लगी हुई थी, बैठने की बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई थी और उसमें BAR लिखा था। आपने देखा कांच की बोतलें बड़ी खूबसूरत थी, आपका मन करने लगा हम भी जाके कर लें, एक टैग हम भी लगा लें। अरे ये वाला तो नहीं है, इसमें नशा नहीं होता, ये वाला बिल्कुल ठीक। बियर पी लो ना, हमसे किसी ने अभी हाल फिलहाल में कहा तुम बियर पी लो, तुम्हारा जो स्टोन होता है पेट में बियर पी लो ठीक हो जाएगा, अगर है तो ठीक हो जाएगा। अब बियर तो वैसे ही पिया करो कभी कभार। क्या कह रहे हो, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, ये तो डिजायर ऑफ द वर्ल्ड है। आज बियर पियो, कल विस्की पीना, परसों ठर्रा पीना, फिर रम पीना, फिर जिन पीना, फिर वोदका पीना, फिर स्कॉच पीना, फिर जाना दुनिया भर का पीते रहना, फिर उसके बाद गांजा पीना, फिर अफीम पीना, फिर जहर पी लेना, फिर हमको बुलाना, हम दफनाने आएंगे और कहेंगे मिट्टी को मिट्टी और खाक को खाक और दारू को दारू करते हैं। करना क्या चाह रहे हो?
This is the lust, this is the desire of the world, which takes you there. That is not necessity of your life. That is the desire of the world. बहुत आसान है, कर लीजिए ना। टेलिंग यू, आपको जब खुदा बाप पैसे देता है ना, अपने पैसे जमा कीजिए और जमा करके उस पैसे से जाके गाड़ी खरीदिए। इंस्टेड ऑफ वेट कि आप गाड़ी खरीद कर उसकी ईएमआई भरिए। मालूम क्या होता है, आप एक गाड़ी जब खरीदते हैं ना ईएमआई पे, तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करते हैं कम से कम। पुनीत भाई हैं बैठे हुए, बता देंगे आपको। 6 लाख रुपए के लोन पे 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट पे कर जाते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फिनिशिंग ऑफ योर लोन। नहीं, ठीक कह रहा हूँ, सही है ना पुनीत भाई हिसाब? बट यू वॉन्ट टू डू इट बिकॉज यू हैव टू, यू डिजायर इट। खुदा बाप ने आपको फ्रीडम दी है, लिबर्टी दी है। लिबर्टी इसलिए दी है ताकि आप आराम से जी सकें। जो पैसे आपको मिलते हैं ना, वो आपको खुदा बाप ने इतना सफिशिएंट दिया कि आप आराम से खा सको, पर कर्जा लेकर के आपका आधी रोटी कट जाती है। उसके हाथों में अपने आप को सौंपे। वंस अगेन गोइंग बैक टू द सेम वर्स, वापस उसी आयत पे चलें। Therefore, the things which the sin which easily entangles you, find out वो चीज़ें पकड़िए, पता कीजिए वो कौन सी चीज़ें जो आपको आसानी से उलझाती हैं, जिससे आप पाप में फंस जाते हैं। यू नो, जब आप ढूंढेंगे तो ढेरों मिलेगा। मैं भी अभी 15-20 पॉइंट्स और ढूंढ करके निकाल सकता हूँ, उसकी चर्चा कर सकता हूँ। आने वाले दिनों में करेंगे भी उसकी चर्चा, पर ये आप भी मालूम कीजिए वो कौन सी चीज़ें जिसने आपको फंसाया, कौन सी चीज़ जिसने आपको उलझा लिया। आप दौड़ तो अच्छा रहे थे पर अब नहीं दौड़ पा रहे, आप काम तो अच्छा कर रहे थे पर अब नहीं कर पाए। गवाहों का एक बड़ा बादल मुझको आपको घेरे हुए है। वो दौड़ जो मुझे दौड़ना है, वो दौड़ जो आपको दौड़ना है, उससे धीरजपूर्वक दौड़ते रहिए। और दौड़ने का सिर्फ एक तरीका है, यीशु मसीह की ओर देखिए और उसकी ओर दौड़िए। खुदा आपको बरकत दे।